continuation of coordinate geometry. Now we will discuss equation of a line when slope and its intercept form intercept on y-axis is given. अब उस रेखा का समीकरण हम लोग लिखने जा रहे हैं. समीकरण means the locus of the line. उस रेखा का बिंदु पथ. बिंदु पथ का मतलब हुआ कि उस रेखा पर चलने वाला बिंदु वेरिएबल पॉइंट जो ट्रेस करेगा, जो पाथ ट्रेस करेगा, ठीक, वो एक लाइन है और उस लाइन का जो इक्वेशन है दैट इज आल्सो कॉल्ड लोकस ऑफ द लाइन. ठीक, तो ये उस रेखा का बिंदु पथ या उस रेखा पर उपस्थित चर बिंदु का बिंदु. दिस वन इज आल्सो कॉल्ड स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन. किसी रेखा का प्रवणता रूप एंड इट्स स्लोप m इज गिवन एंड इट इज आल्सो गिवन दैट इट कट्स ऑन y एक्सिस देन व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है? तो हियर दीज आर द टू एक्सिस एंड सपोज दिस वन इज द लाइन. This line makes an angle theta with positive x-axis. Positive x-axis के साथ ये line theta angle बना रही. And m, that is m is equal to 10 theta. This one is given. Slope is given. And it is also given that it cuts an intercept of length c on y-axis. y-axis पर इसके द्वारा कटे हुए अंतःखंड की लंबाई d है, वो कितनी है? c. For finding the locus of a point, we have to take a variable point on this line. चर बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए हमको कोई वेरिएबल पॉइंट चार बिंदु इस लाइन पर लेना हो एंड दैट वेरिएबल पॉइंट इज ऑलवेज टेकिंग इन फॉर्म एक्स वाई. किसी चार बिंदु को हम किस रूप में लेते हैं? एक्स वाई. या फिर ये भी तरीका है कि चार बिंदु के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा मान लीजिए और बाद में अल्फा बीटा को जनरलाइज कर दीजिए, व्यापक कर दीजिए. सो अल्फा इज रिप्लेस्ड by x and beta is replaced by y. So अब directly यहाँ पर p चर point हुआ, p variable point हुआ. Suppose the coordinates of this variable point x y, इसके coordinates x y. Now this distance will be x and this one is y. ठीक, ये इतना x हो गया, इतना y. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज c, सो दिस वन इज आल्सो c. ये भी c हुआ, तो ऊपर की जो लेंथ हुई वो y माइनस c. दिस इज y माइनस c. दिस एंगल इज theta, सो दिस वन इज आल्सो theta. नाउ tan theta m इक्वल टू what will be the value of tan theta? Y minus c divided by x. Yes. So y minus c divided by x. Cross multiply m into x is equal to y minus c, or y is equal to mx plus c. So this one is slope form of a line. M is given, c is given. m दिया हुआ है और c दिया हुआ. ठीक है, ये धनात्मक y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई ac. तो इस रेखा के इस रूप को, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? प्रवणता रूप, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन.